स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ, और कंप्लीट वीडियो में बनी रहना क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको मेट्रो कार्ड रिचार्ज करने के लिए तो बताऊंगा ही बेंगलोर का, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है। बहुत लोग जानते भी होंगे, आप वहाँ पे लाइक डायरेक्ट कस्टमर केयर से करवा सकते हैं, जो मेट्रो जहाँ पे होती है वहाँ पे करवा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। पेटीएम, बहुत सारी रिसोर्सेज आ गए, लेकिन मैं वो उपाय तो बताऊंगा ही क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। साथ ही साथ मैं बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि बेंगलोर मेट्रो में मुझे देखने को मिला, अदरवाइज़ मुझे अभी तक दिल्ली वगैरह में मैंने ये चीज़ नहीं पाया। मे भी होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि इनकेस यदि आप आते हैं ट्रैवल करने के लिए कहीं भी और ये चीज़ें होती हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेंगलोर मेट्रो में ये चीज़ें हैं इसलिए मैंने यूज़ किया। उसमें सिंपली क्या करना है, बस एक QR कोड आपको मिल जाएगा, किस तरह से मिलेगा वो ये जानने के लिए आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर यदि आप दिखा देते कि मेट्रो कार्ड कहाँ पे मिलता है या फिर कैसे रिचार्ज किया जाता है तो हमारे लिए ज़्यादा स्कूल होता, इसलिए एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और हालांकि ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं हर जगह सेम है, दिल्ली मुंबई जो भी है हर जगह वही है। आप कहीं भी जाते हैं तो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में जाके आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। और टिकट काउंटर यहीं पर जब आप आगे जाएंगे तो आपको टिकट्स भी मिलेंगे, और आप अपना मेट्रो कार्ड यदि रिचार्ज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेटीएम से भी कर सकते हैं और इधर से कर सकते हैं। मैं पेटीएम यूज़ नहीं करता तो यहाँ से आप रिचार्ज अपना कार्ड कर सकते हैं। देख रहे हैं ये टिकट काउंटर है, वहाँ से आप टोकन ले सकते हैं। अदरवाइज यदि आप चाहते हैं कि कार्ड ले लें, जो हमारे पास अभी देख सकते हैं ये कार्ड है मेट्रो कार्ड, बेंगलोर का मेट्रो कार्ड, यदि आप चाहते हैं लेने के लिए और साथ ही साथ रिचार्ज करना चाहते हैं तो ये सामने काउंटर है कस्टमर केयर करके, यहाँ पर आप एंट्री या एग्जिट होंगे पैनल में, वहीं से आप करवा सकते हैं। अब जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और एक्चुअली मैं ट्रेवल करता रहता हूँ तो जो भी टेक्नोलॉजी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और ये है मेट्रो आने वाली है हमारी 3 मिनट्स में वाई पनहल्ली की मेट्रो। शेयर करने वाला हूँ उसमें क्या है कि आप यदि फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सा डिस्काउंट भी शायद मिलेगा, और जैसा कि आप यहाँ नीचे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैं मेट्रो के अंदर था वहाँ पे जहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड होती है, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन के नाम लिखे रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने बताया, मतलब मैंने देखा वहाँ पे कि एक डायल नंबर है जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में नहीं क्योंकि डिस्क्रिप्शन में यदि दे दूँगा नंबर तो आधा से वीडियो देखोगे या फिर स्किप कर जाओगे। अब वीडियो में कंटिन्यू रहना, मैं वीडियो में ही नीचे एक नंबर दूंगा, आप उसे बस मोबाइल में सेव करना है और व्हाट्सअप करना है हाई करके। जैसे आप व्हाट्सअप हाई करके करोगे उसके बाद जो है आपको मिल जाएगा लाइक डिटेल्स, आप कहाँ से जा रहे हो, सोर्स स्टेशन क्या है, डेस्टिनेशन स्टेशन क्या है, ठीक है। और एट द एंड जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा, और फिर आपको QR टिकट एक भेज दिया जाएगा, उसमें सेम फेयर लगेंगे जिसे मैं आ रहा हूँ KSR मैंगलोर रेलवे स्टेशन से बायपनली तक, बायपनली दोनों का जो चार्ज है मुझे लगा 28.5 रुपीज़। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा, जो मैंने व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन किया है सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है। उसके बाद QR टिकट मिलेगा, उस टिकट को जो है बस स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप मेट्रो में हो या फिर कहीं भी हो या फिर स्टेशन में हो, आपको यदि बहुत ज़्यादा रस है तो आप कार्ड भी नहीं ले सकते हैं, फर्स्ट टाइम यदि आप आ रहे हैं तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन में आपको दिखाते हैं, तो चलिए चलते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं। आपको वर्टिकल मोड में ही दिखा सकता हूँ क्योंकि ये व्हाट्सअप में हॉरिजॉन्टल मोड में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंगलोर मेट्रो का एक आपको एक नंबर दूंगा, अभी आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, कभी एक बीच में आपको एक नंबर इसका नंबर दे दूंगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो भी कन्वर्सेशन किया, जब भी आप सेव करेंगे उसको हाई भेज सकते हैं। हाई भेजने के बाद यहाँ पे जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपको QR टिकट चाहिए, कार्ड इन्फो इन्फॉर्मेशन या रिचार्ज चाहिए, कितना का काम मिल रहा है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कुछ अदर चाहिए। मोर ऑप्शन में आपको देखना है स्टेशन के नाम वगैरह, तो आप इसमें से देख सकते हैं। जैसा आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप कर सकते हैं। एक बार करेंगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बाय टिकट्स में क्लिक करना है। बाय टिकट जैसे आप करेंगे, स्टेशन का नाम टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं या फिर लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है। तो हमने स्टेशन का नाम टाइप किया था, बस इसमें इतना है कि जो भी स्टेशन का नाम है एज इट इज़ आपको पूरा स्पेलिंग एक सही आपको टाइप करनी होगी, सो दैट कि ये सिस्टम आपको उसी स्टेशन का नाम ले ले। जिसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बायपानली यहाँ पर टाइप किया था, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, उसके वजह से वो स्टेशन का नाम फाइंड आउट नहीं कर पाया। फिर मैंने यहाँ एक्यूरेट टाइप किया, गूगल से हेल्प लेकर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल वो कन्फर्म करेगा कि आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है और जो मतलब आप सोर्स स्टेशन है वो आपका क्या है। उसके बाद आपको एक टिकट जनरेट करेगी, नंबर ऑफ पैसेंजर इतने हैं, इतना प्राइस लगेगा, ट्रेवल डेट कब का है, तो उस दिन का है, सारा चीज़ कर सकते हैं। यदि आपको चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, या तो आप व्हाट्सएप पे कीजिए, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। उसके बाद सीधे आपको जो भी पेमेंट का एक लिंक आ जाएगा कि 28.5 रुपीज़ या फिर जो भी चार्जेज आपकी होंगे वो आपको लगेगा। फिर यहाँ पे QR टिकट चाहिए या फिर आप कुछ अदर ऑप्शन चाहते हैं, तो मैंने QR टिकट में क्लिक किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली आप ये सब करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। आप ये एक बार इसको ट्राई करेंगे, तो यदि नहीं समझ में आएगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप हमसे, आई विल हेल्प यू आउट। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, और इसकी जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी आपको 8 घंटे ही होगी। हमारा टिकट यहाँ पे 6:30 बजे जनरेट होता है, जो कि आपको सुबह 2:30 बजे तक था, यानी कि 8 घंटे लगभग आपकी ये टिकट की वैलिडिटी होगी। उसके बीच में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जब बारकोड, और इसे भी आप यदि मेट्रो के अंदर भी हो तो आप ये टिकट जनरेट कर सकते हो मेट्रो के अंदर। बस यही कि आपको एंट्री पॉइंट से ही आप यदि करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपको एंट्री और एग्जिट दोनों में ट्रैक करेगा, तभी जाके वो आपके अमाउंट डिडक्ट होगी जहाँ से आप जाना चाहते हो और जहाँ पे आप एग्जिट करना चाहते हो। तो जहाँ से आप जाना चाह रहे हैं वहीं से यदि आपने ये प्रोसेस कर लिया, आपको QR कोड मिल गया, तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं इस QR कोड के मदद से। उसके बाद फिर से जब एग्जिट करेंगे तो हो जाएगा, तो आपका जो अमाउंट रहेगा वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं हमें QR कोड मिल गया था, बस यही QR कोड को स्कैन करना पड़ता है। दैट इज़ वेरी इजी प्रोसेस। यदि आपको कोई भी डाउट रहेगा फिर भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो मैं ज़्यादा ओवर लंबा नहीं करना चाहता। आपको जो भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में यू कैन कमेंट, आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, आई विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली। लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज कंटिन्यूसली, डेफिनेटली आई कैन से दैट यू कैन अंडरस्टैंड। गाइस तो फाइनली मैं आ चुका हूँ बायपानली मेट्रो में, और जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप में दिखाया, और हमने जो है यहाँ से लेकर KSR बेंगलोर तक के लिए मेट्रो कार्ड जो है QR कोड उसका आ चुका है हमारे व्हाट्सएप में, और अमाउंट हमने पे कर दिया था ऑनलाइन। तो लेट्स सी कि अब वही उसी QR कोड का यहाँ पे स्कैन करेंगे तो हमें यहाँ से एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपको एंट्री के बाद फीडबैक में बताऊँगा कि हुआ कि नहीं हुआ। आप हमारे साथ इस वीडियो में चल रहे हैं एंट्री पॉइंट की ओर, जहाँ से हमें स्कैन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से हम प्लेटफॉर्म की ओर जाएंगे। तो देख सकते हैं अभी मेट्रो से ही लोग उतरे हैं। स्कैन के टाइम में मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि हमारे मोबाइल में QR कोड थी, तो एक ही साथ स्कैन भी करना और साथ ही साथ वीडियो बनाना दैट वॉज नॉट पॉसिबल। हमारी एंट्री हो चुकी है, तो जब आप यहाँ पे आएंगे स्कैन करेंगे तो वहाँ पे क्या है, दो चीज़ों के लिए दी गई है। एक है आपका कार्ड जहाँ पे आप रखते हैं वो स्कैन लेता है कार्ड का, और एक दूसरा उसी के सामने थोड़ा सा एक मिरर टाइप का बना हुआ है जहाँ पे आपको QR कोड रखना है। तो हमने यहाँ से एंट्री कर लिया बायपानली से, और यही जाके फिर आपको KSR मेट्रो में फिर से करना है। तो 28.5 जो हमें मिला था QR कोड के माध्यम से वो हमारा वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, और इस तरह से हमारी यहाँ से चेक इन होगी, वहाँ से चेकआउट हो जाएगी। सर बेंगलोर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुका हूं। लाइक यहां से हम लोग एग्जिट करेंगे तो रेलवे स्टेशन चले जाएंगे, और बायपानली के थ्रू मैं यहां आ चुका हूं KSR मेट्रो में।
और यदि इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि कैसा रेलवे स्टेशन में नियरेस्ट कौन सा मेट्रो है, ये सब बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। साथ ही साथ आप किस तरह से मेट्रो से जा सकते हैं वो सारा मैपिंग वगैरह भी आपको दिखाया है, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ से अब हम लोग मैं जो भी हमें QR कोड आया है उसको दिखा के बस स्कैन करना है और यहाँ से एग्जिट होना है, दैट्स इट। आप देख रहे हैं वहीं पे आपको एक QR कोड स्कैनर भी है और साथ ही साथ वहाँ पे कार्ड का भी स्कैनर है, तो आपको QR कोड स्कैनर वाले में स्कैन करना है और यहाँ से एग्जिट हो जाना है, बस यही प्रोसेस। से मेरा ये जर्नी कंप्लीट हुआ इस QR कोड की मदद से, जिसमें मुझे कोई भी लाइक लाइन नहीं लगना पड़ा, कोई भी मुझे मेट्रो कार्ड नहीं लेनी पड़ी।